तो दोस्तों, मुझे कमेंट में किसी ने पूछा कि सर, सैस प्रोग्रामर और डेटा एनालिस्ट में क्या डिफरेंस है, और क्या क्लिनिकल सैस प्रोग्रामर ये तीनों चीज़ भी डिफरेंट है, डेटा एनालिस्ट, सैस प्रोग्रामर और क्लिनिकल सैस प्रोग्रामर। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझो कि डेटा एनालिस्ट क्या है। डेटा एनालिस्ट एक रोल है, तो डेटा एनालिस्ट पे वो कोई भी बंदा अपने आप को डेटा एनालिस्ट कह सकता है जिसको डेटा एनालिस्ट टूल की या सॉफ्टवेयर की नॉलेज है। अब डेटा एनालिसिस के कौन से मेजर सॉफ्टवेयर है? अब सैस है, आर है, पाइथन है। तो कहीं कहीं क्या होता है कि आप सैस प्रोग्रामर भी कहते हो, कहीं कहीं आप डेटा एनालिस्ट भी कहते हो, कहीं कहीं आप क्लिनिकल सैस प्रोग्रामर भी कहते हो। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? लेट सपोज क्लिनिकल सैस प्रोग्रामर वो अपने आप को कहता है जो कि सिर्फ क्लिनिकल का डेटा एनालिसिस कर रहा होगा। और क्लिनिकल सैस प्रोग्रामर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सैस सॉफ्टवेयर पे क्लिनिकल का डेटा एनालिसिस कर रहा होगा, तो उसको क्लिनिकल सैस प्रोग्रामर भी कहते हैं। और डेटा एनालिस्ट क्या हो गया? एक ओवरऑल रोल हो गया। जो क्लिनिकल सैस प्रोग्रामर है वो एक स्पेशल इंडस्ट्री में, एक क्लिनिकल इंडस्ट्री में क्लिनिकल डेटा का एनालिसिस कर रहा है, बट वो अपने आप को ओवरऑल डेटा एनालिस्ट भी कह सकता है अपने आप को चाहे तो। सिमिलरली सैस प्रोग्रामर कौन हुआ? जो सैस सॉफ्टवेयर पे कोई भी डेटा एनालिसिस कर रहा हो, चाहे वो बैंकिंग का, इंश्योरेंस का या एक्स वाई जेड किसी भी डेटा का एनालिसिस कर रहा हो, लेकिन वो चाहे तो अपने आप को डेटा एनालिस्ट भी कह सकता है। सिमिलरली अगर कोई पाइथन पे डेटा एनालिसिस कर रहा है तो अपने आप को पाइथन डेटा एनालिस्ट भी कह सकता है या सिर्फ डेटा एनालिस्ट भी कह सकता है। तो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, मैं आपको बता देता हूँ वापस। डेटा एनालिस्ट एक रोल है और उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होगे तो आप अपने आप को या तो सॉफ्टवेयर के नाम से या तो इस रोल के नाम से, डेटा एनालिस्ट नाम से अपने आप को कह सकते हो। ओके, क्योंकि उस रोल पे जो भी काम कर रहा होगा डेटा का अल्टीमेटली एनालिसिस ही कर रहा होगा, अब वो चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करे। अब क्या होता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, जैसे कि क्लिनिकल में काम कर रहे हो तो वो स्पेशलाइज हो जाता है, क्लिनिकल सैस प्रोग्रामर या क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट ऐसे कह सकते हो। तो क्या डिफरेंस होता है? हर इंडस्ट्री एक रोल को अलग अलग वे में उसको डिफाइन करती है। जैसे क्लिनिकल में ही सैस सॉफ्टवेयर पे आप काम करते हो, जो डेटा एनालिसिस करते हो क्लिनिकल का, सीडीएम डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट वो भी कह सकते हो, वैसे ही स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर भी कहते हैं, वो भी कह सकते हो। तो एक होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो आपने वो सॉफ्टवेयर सीख लिया। अब वो सॉफ्टवेयर सीख के आप किस चीज़ में काम कर रहे हो, किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो और उसमें कौन से रोल पे काम कर रहे हो, तो उस रोल के हिसाब से आपका पर्टिकुलर डेजिग्नेशन डिसाइड होता है। लेकिन ओवरऑल में, बड़े व्यू में उसको कहेंगे डेटा एनालिस्ट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप रोल पे किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो और डेटा एनालिसिस कर रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आप डेटा एनालिसिस ही कर रहे हो, तो आपको उसको डेटा एनालिस्ट ही कहोगे। एक लास्ट एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, कि लेट सपोज कि मैं इस कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ पे तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेट सपोज कोई कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहा है, तो कैमरामैन एक रोल हो गया, ठीक है। अब कैमरामैन के पास बहुत सारे कैमरा हो सकते हैं, चाहे वो सोनी का हो, निकन हो या कोई भी ब्रांड का हो। अब या तो उसको पर्टिकुलर कैमरा के नाम से आप बोल लो कि सोनी कैमरामैन या निकन कैमरामैन, या तो कैमरामैन बोल लो। सिमिलरली डेटा एनालिस्ट एक रोल हो गया, ठीक है, जो कि डेटा का एनालिसिस करने वाला है। अब वो कोई भी टूल यूज़ करता हो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करता हो, चाहे वो सैस हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो आर हो। अब उसमें भी कैसा होता है, जैसे कैमरामैन हो गया तो वेडिंग फोटोग्राफी वाला अलग होता है, वेडिंग का वीडियोग्राफी वाला भी अलग होता है, ठीक है, और पार्टी का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वाला अलग होता है, तो उसमें भी स्पेशलाइजेशन होते हैं। वैसे ही अगर आप क्लिनिकल में डेटा एनालिसिस करते हो सैस सॉफ्टवेयर पे, तो क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट भी कहते हैं, क्लिनिकल सैस प्रोग्रामर भी कहते हैं और स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर भी कहते हैं, तो स्पेशलाइजेशन होता है। आशा करता हूँ आपको ओवरव्यू कुछ आइडिया आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।